चलिए हम नया वीडियो देखते हैं आज, A9 2.6। इसमें हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या फैक्टर है, मतलब वी हैव टू फाइंड। सो अगर मैं लिखूँगा फाइंड इफ, पता करो अगर, फाइंड इफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। हमें क्या मालूम करना है कि क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे किसी पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या नहीं है। इसी प्रकार से हम पूछ सकते हैं कि क्या एक पॉलिनोमियल, फाइंड इफ ए पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए हम इसको सिंपल कर लेते हैं, पहले सिंपलीफाई करते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ एक नंबर मेरे पास है से 15, और मैं पूछता हूँ कि क्या क्या 5 15 का फैक्टर है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। या दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है, दूसरा क्वेश्चन है क्या 15 5 का मल्टीपल है, ये भी एक क्वेश्चन है। अब आपको तो ये तो सिंपल है, मालूम ही है कि जो 15 है इसके 2 फैक्टर्स हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 5 भी फैक्टर है 15 का और 3 भी 15 का फैक्टर है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे फैक्टर्स। किसके फैक्टर हैं? 15 के फैक्टर हैं। सो 15 को क्या हम बोलेंगे? मल्टीपल, क्योंकि हमने जब इनको किसके मल्टीपल है, 15 किसका मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 5 3 15 एंड 3 5 15, तो दोनों का मल्टीपल है। 15 इज मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 3, और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अगर हमने चेक करना है कभी कि क्या ये इसके फैक्टर हैं या ये इसका मल्टीपल है, तो बेस्ट तरीका क्या है, जो एक्चुअली मेथड है या सिंपल उसका जो बेसिक्स है, कि हम 15 को जब हम 5 से डिवाइड करें, और अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बन जाए, इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 होगा उसका क्या मतलब है कि 15 को 5 ने पूरा पूरा डिवाइड किया, या इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि 15 इज 15 इज डिविजिबल डिविजिबल बाई 5। अभी देखो 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो तो 15 आ जाता है, और रिमाइंडर क्या बच जाता है? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस 5 को जब हमने इस 15 को जब 5 से डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया और ये आंसर आ गया। यानी कि 15, अगर रिमाइंडर 0 है, देन वी कैन से येस 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। या दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं येस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। दैट मीन्स हमें ये पता चलना चाहिए कि अगर हमने जिसको डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। अब इसी को हम पॉलिनोमियल में देखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स, कई सारे टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ 3x³ प्लस 6x
सेवन एक्स। अब इसमें दो टर्म्स हैं, कौन कौन से? एक है पॉजिटिव 3x³ और दूसरा है पॉजिटिव 7x। दीज आर टू टर्म्स। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाई अनदर पॉलिनोमियल, नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसका मैं कुछ नाम रख सकता हूँ इस पॉलिनोमियल का। इसका मैंने, क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसका मान लो मैंने रखा पी, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में मैं एक्स लगाता हूँ। एक्स क्या है? एक्स मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में एक्स जो है वो वेरिएबल है, और इस पूरे को मैंने पी एक्स नाम रखा, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, पी एक्स इज 3x³ + 7x। तो पॉलिनोमियल यही है, पॉलिनोमियल ये है, इसका सिर्फ ये नाम रखा है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं पॉलिनोमियल। और दूसरा पॉलिनोमियल मैंने पी के बदले, क्योंकि अब पी इसका नाम रखा है, मान लो मैं रखता हूँ क्यू, क्यू एक्स, उसमें भी एक्स वेरिएबल है, वो मान लो है 7 + 3x। ये एक और पॉलिनोमियल है। अब मैं पूछता हूं कि क्या, अगर मैंने आपको कहा इफ या फाइंड, मालूम करो या चेक करो, फाइंड इफ 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, कि ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, आपको फाइंड करना है, बताना है, ठीक है? क्या बताना है? क्या फाइंड इफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉल, क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, या आपसे पूछा जा रहा है, यही सवाल है। यानी कि जैसे मैं पूछूं कि फाइंड इफ 15 इज ए फैक्टर, सॉरी, फाइंड इफ 5 इज फैक्टर ऑफ 15, फाइंड, अगर ये सवाल है कि मालूम करो कि क्या 5 15 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप 15 को, जिसका फैक्टर फाइंड करना है, ये बड़ा नंबर होगा क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, तभी तो ये फैक्टर है इसका। आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोलोगे हाँ ये 15 जो है इसका मल्टीपल है, या ये उल्टा बोलेंगे तो ये 5 इसका फैक्टर है। यानी कि जिसका हमें फैक्टर फाइंड करना है, हमें, ये बड़ा पॉलिनोमियल है। अब इसे भी दिखाई देता है, देखो इसकी डिग्री 3 है, x^3 है, इसका सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वो 3 है वेरिएबल का, और इसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर तो 1 है, 3x। इसको, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 3x³ + 7x को हम डिवाइड करते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, किससे? इस पॉलिनोमियल से। और हमने एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पॉलिनोमियल लिखें उसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट के तरीके से लिखें, यानी कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर लिखें वेरिएबल की, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट। तो 7 + 3x को सही तरीका क्या लिखना है, कि पहले वेरिएबल वाला लिखो 3x + 7। अब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, और अगर लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि हाँ ये पॉलिनोमियल इसका
मल्टीपल है ना, जैसे हमने 5 और 15 का देखा। तो हमें बेसिकली ये पहले मालूम करना है कि क्या रिमाइंडर ज़ीरो है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये जो है, जो बड़ा पॉलिनोमियल है वो इसका मल्टीपल नहीं है, या जो छोटा पॉलिनोमियल है आप कह सकते हो कि इस बड़े पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। सो बेसिकली आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? रिमाइंडर आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, इस पूरे को डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर, या आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज करो। आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखी, रिमाइंडर थ्योरम जब आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आप चेक करोगे कि इस क्वेश्चन में आपका अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो फिर आप बता सकते हो कि ये इसका फैक्टर है या मल्टीपल है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है। अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है तब तो रिमाइंडर थ्योरम से ही आपको फाइंड करना है। अगर नहीं लिखा है तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम तो बना ही इसीलिए है कि वो जल्दी से हमें बता सकती है कि क्या ये इसका रिमाइंडर जीरो आएगा या नहीं आएगा। अब आप इसको सॉल्व करो। जैसे अगर ये वाला पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड है, इसको आप मान लो क्या करो, इसको आप मान लो एक पॉलिनोमियल पी मान लो, ये पॉलिनोमियल क्यू है, सो आप पी को क्यू से डिवाइड कर रहे हो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर इसका आपने, इस पॉलिनोमियल का एज पर रिमाइंडर थ्योरम इसका आपने जीरो फाइंड करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? इसको इक्वल टू जीरो बना दो और एक्स की वैल्यू फाइंड करो। यानी कि जो ये है 3x, अब डिवाइजर क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हो, वो है आपका 3x+7 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? इस पॉजिटिव 7 को हमने यहाँ ट्रांसपोज किया, हो गया -7। अब 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई x। आपने x फाइंड करना है, यानी यहाँ ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इस 3 को जब यहाँ ट्रांसपोज करोगे वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो राइट साइड में -7 है उससे आपको डिवाइड करना है, तो आपका ये बन गया। सो x इज इक्वल टू दिस नंबर -7/3। वो भले ही मिक्स नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन हो, है तो नंबर ही। अब ये आपने x की वैल्यू फाइंड की और इस x की वैल्यू को आपने कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? डिविडेंड में। डिविडेंड में अब x की वैल्यू ये डालोगे और अगर उस पॉलिनोमियल का जो डिविडेंड है, इस सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर उसका वैल्यू जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। और अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ गया तो आप बोल सकते हो हाँ ये इसका फैक्टर है, या दूसरी प्रकार से आप कह सकते हो ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने इसका, इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर का जीरो के बराबर बना दिया, उससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की -7/3। इस वैल्यू को हमने इसमें डालना है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है, 3x³ + 7x।
अब यहाँ पे ये क्या हो इसका, अगर x की वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, और x क्या है, -7/3, लेकिन उसका क्यूब है, 3 पावर है, यानी कि 3 बारी मल्टीप्लाई होगा, -7/3 मल्टीप्लाइड बाई -7/3, क्योंकि एक्स इज 7/3, तो मैंने 3 बारी उसको मल्टीप्लाई किया। फिर क्या किया, प्लस 7, 7 को फिर से एक्स से मल्टीप्लाई किया, वो क्या है, -7/3। तो ये किसके बराबर हो गया, अब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 बारी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो 7, 7 = 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 349 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7, 9 = 63, 28 + 6 = 34, तो वो आपका क्या आ गया, वो आपका आ गया -343, क्योंकि ये 3 बारी है, -343/9, 3 3 = 9, और ये क्या हो गया, प्लस इनटू माइनस, -49/3। तो ये यहां से देखने से ही पता चलता है कि ये तो 0 के बराबर नहीं है, है ना, ये इसके बराबर नहीं है, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लिख सकते हो इज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही, फाइंड करने, इसका वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये और ये तो अलग अलग फ्रैक्शन है और दोनों नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल होंगे ही नहीं, दैट मीन्स इनको आप सॉल्व अगर करोगे भी तो उसका आंसर तो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। हमको सिर्फ ये पूरे डिवाइड करने से, रिमाइंडर थ्योरम हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर तो 0, इसका वैल्यू, इस डिविडेंड का वैल्यू तो 0 नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप बता सकते हो लास्ट में, देयरफॉर जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये इसको इससे डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है। हम सवाल तो यही था कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, कि क्या ये 7 + 3x, वो तो मैंने 7 + 3x को ही बाद में रीअरेंज किया, ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से मैंने देखा कि वो रिमाइंडर 0 नहीं है, देयरफॉर आप लास्ट में लिख सकते हो ये इसका फैक्टर नहीं है, सो दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, या अगर मल्टीपल का पूछा होता तो आप कह सकते थे ये बड़ा वाला इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ दिस, क्योंकि मल्टीपल भी तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज रिमाइंडर थ्योरम, हमने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल किया, क्या क्यों इस्तेमाल किया, क्या फाइंड करने के लिए, कि क्या एक एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या फैक्टर है, वो तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, जो अगला वीडियो है A9 2.7, ये तो 2.6 था, 2.7 में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, केवल एक्सरसाइजेस मिलेंगी, वो आप प्रैक्टिस करना, ओके, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब वो आपको फायदा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ओके बाय।